Hare Krishna, 4th September, Sri Srimad Radha Govind Goswami says, if a particular mansion is shrouded completely in darkness, then such darkness cannot be driven away except for the aid of an external source of light, such as the sun or a bulb, etc. Similarly, as long as living entity does not receive knowledge about the divine name, form, qualities, etc. of the Lord from a sadhu, till that time the living entity can never understand God by its own limited ability. What to speak of understanding God without external help? It wouldn't even be able to understand itself. 4 सितंबर परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं, यदि किसी भवन में घोर अंधकार छाया हुआ है तो ऐसे भवन में सूर्य या बिजली के बल्ब जैसे बाह्य प्रकाश के स्रोतों के बिना किसी भी प्रकार से अंधकार दूर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक किसी भी जीव को कोई साधु भगवान के नाम, रूप, गुण इत्यादि के विषय में नहीं बताएगा, तब तक वह जीव अपनी शक्ति से भगवान को नहीं जान पाएगा। भगवान को जानना तो दूर की बात है, वह अपने आप को भी नहीं जान पाएगा। 4 सितंबर परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी चवन था, जे कदहीं का मखसूस जगह ऊंद में मुकम्मल तौर ते ढकियल हुजे, तब पोए अड़ी ऊंदाई के रोशनी जी कह बाहरें जरिए जे मदद खां सिवाय नथो खत्म करे सकजे, जेड़ो ऑक्सिज या को बल्ब वगैरह। सागी तरह जेस ताई जी भगवान जे दिव्य नाम, रूप, गुण वगैरह जे बारे में कह साधु खां ज्ञान हासिल नथो करे, तेस ताई जीव पैंजी महदूद काबिलियत सा भगवान के कदें भी नथो समझी सके। भगवान के समझण जी छा गाल कजे, कें बारे मदद का सिवाय त हु पैंजो पान के भी समझण जे काबिल न बणजण जो।